नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स के YouTube चैनल की कृषि साक्षरता सीरीज के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कमाई बढ़ाकर घाटे को कम करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हमारे सभी शैक्षिक और मनोरंजक वीडियो को देखना ना भूलें। हमारा आज का विषय है गर्मियों में भिंडी की खेती। दोस्तों, भिंडी विटामिन ए, सी, जिंक, आयरन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। यह कब्ज, हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़े जैसे रोगों में लाभकारी है। भिंडी के अनगिनत स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए कई कंपनियां आलू चिप्स के विकल्प के रूप में भिंडी चिप्स तैयार कर रही है। भिंडी एक गर्म जलवायु की फसल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिंडी की खेती में किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे आपकी खाद पानी बीज की लागत आधे से भी कम हो जाए और आपको 4 गुना मुनाफा मिले। भिंडी की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जब ठंडी खत्म होने लगती है और दोबारा शुरू होती है तो इसके बीज का सीजन भिंडी के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा होता है। किसान भाइयों, आप भिंडी की जल्दी तैयार होने वाली प्रजातियों जैसे कि सयाजी 2210 व सयाजी 2211 का बीज खरीदें जो गर्मी और बरसात दोनों में ही एक अच्छी उपज दे सके। भिंडी की अच्छी प्रजातियों में 40 दिनों में ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। नाली व मेड़बंदी विधि से भिंडी की खेती करने में लागत काफी कम आती है। सूखे खेत को खरपतवार मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए सिंचाई करने के 3 दिन पहले ग्लाइफोसेट दवा का छिड़काव करें। जमीन को भुरभुरी बनाने और कीट रोग से बचाव के लिए खेत की तैयारी करते समय 4-5 बार भूमि की जुताई करें। पोषण के उद्देश्य से अंतिम जुताई के दौरान 25 टन FYM और 5 से 10 टन नीम के डालें। 1 किलो एजो स्पिरिलम और 1 किलो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया PSV को 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर बुवाई करने से पहले खेत में मिला दें। उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो 54 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 150 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटेशियम की मात्रा को तैयार करने के दौरान मिट्टी में और 81 किलोग्राम यूरिया बुवाई के 30 और 60 दिन बाद के अंतराल पर दें। 2 कतारों के बीच की दूरी 1.5 फीट रखें। पौधों को जगह देने से उसमें डालियां खूब अच्छे से आती हैं। जितनी ज्यादा डालियां उतने ज्यादा फल, साथ ही कम बीमारियां भी आएंगी। भिंडी की तुड़ाई बुवाई के 50 से 60 दिन के बाद की जा सकती है। भिंडी की तुड़ाई 1 दिन के अंतराल पर करें जिससे वो खाने लायक रहे। सयाजी भिंडी की खासियत इसमें मौजूद जिंक, आयरन और फाइबर की प्रचुर मात्रा है। यह ज्यादा गहरे रंग की होती है और औसत भिंडी से इसमें बीज भी काफी कम होता है। सयाजी 2211 भिंडी के बीज की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज गर्मियों के लिए और खरीफ के लिए 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है। 15 से 16 टन प्रति हेक्टेयर भिंडी का उत्पादन लिया जा सकता है। सयाजी भिंडी की किस्म रोगों के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। साथियों, खेती में 100% सफलता पाने के लिए फसल की बुवाई हमेशा समय से पहले करें जिससे मार्केट में किसी के पास आप जैसी फसल न होने से आपको अपनी फसल का मुंह मांगा दाम मिले। किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा यह एपिसोड कमेंट बॉक्स में बताइए। इस समय आप कौन सी फसल और सब्जी उगा रहे हैं? हमारे नए वीडियो और कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कृषि साक्षरता सीरीज को देखना ना भूलें। अगर आपके मन में कृषि से जुड़ा कोई सवाल है तो हमसे पूछें। हमारे कृषि वैज्ञानिक आपके सवालों का जवाब लेकर जल्द ही हाजिर होंगे।